सो हे गाइस, दिस इज वॉरियर राइडर। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी KTM की ड्यूक 200 cc की बाइक, जो कि आती है अपनी 2024 मॉडल के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपको मिलता है जो कि आपके सामने है, और इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, दूसरा आपको मिलता है डार्क सिल्वर मेटेलिक, और तीसरा आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, और चौथा आपको मिलता है जो कि आपके सामने है डार्क गोल्वेनो। ठीक है गाइस, आज हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके रिव्यूज़ के बारे में और इसके डीप डिटेल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके फ्रंट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट के बारे में, जो कि आप देख सकते हो जो हेडलाइट है ना इसकी, वो आपको LED हेडलाइट कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको ना कोई वाइजर वगैरह नहीं मिलता है इस बाइक के अंदर, क्योंकि अपनी ये स्ट्रीट बाइक है एक तरीके से। इंडिकेटर आपको इसके अंदर LED के मिलने वाले, जो कि हैजार्ड फीचर के साथ नहीं मिलते। बात करें इसके हेडलाइट के बारे में, जो कि आपको LED हेडलाइट इस बाइक के अंदर मिल जाती है DRL लाइट्स के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया इसकी लुक दूर से देखने को आपको मिल जाती है। साथ ही बात करते हैं इसके फ्रंट के मडगार्ड के बारे में, जो कि आपको ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का कुछ इस तरीके का फ्रंट का मडगार्ड प्लास्टिक फाइबर का मिल जाता है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं इसके फ्रंट के सस्पेंशन के बारे में, जो कि आपको WPFX के यहाँ पर आपको अपसाइड डाउन फ्रंट के सस्पेंशन 43 mm डायमीटर के साथ आपको मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर, जो कि इसकी राइड को और भी कंफर्ट बनाते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है सेफ्टी के पर्पज पे, और सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। और बात करें इसके अलॉय के बारे में, जो कि आपको 17 इंच के अलॉय मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। और बात करें इसके टायर के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसके टायर है ना, आपको ट्यूबलेस के अंदर आपको मिल जाते हैं। MRF रेव्स के टायर आपको मिलने वाले हैं, जो कि साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो 110, 70, 17 का आपको टायर का साइज़ मिल जाता है। और बात करें इसके अलॉय, तो अलॉय मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में, तो फ्रंट की जो ब्रेक है ना इसके अंदर, आपको बाइबर की ब्रेकिंग इसके अंदर कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, जो कि आपको 300 mm की डिस्क मिल जाती है। विद ABS ब्रेकिंग सिस्टम इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। वैसे ये बाइक है जो आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ मिल जाती है। ठीक है, और जो इसका रेडिएटर है ना, वो आपको सिंगल फैन के साथ कुछ इस तरीके का रेडिएटर मिल जाता है। ठीक है, जो कि अपने इंजन को कॉल रखने में हेल्प करता है। साथ ही आपको इंजन रेडिएटर गार्ड भी कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का मिलने वाला है। ठीक है, और जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है, वो आपको कॉपर कलर का आपको सिंगल एग्जॉस्ट पाइप इस बाइक के मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन काउल आपको प्लास्टिक फाइबर का ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का इस बाइक का मिल जाता है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के, 155 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक के अंदर मिल जाती है। साथ ही बात करते हैं इसकी राइड प्रोफाइल के बारे में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के मेटल का लेग गार्ड मिल जाता है, KTM की बैजिंग मिल जाती है, रेडिएटर गार्ड है एक तरीके का, ये भी राइट साइड से ही आपको KTM की बैजिंग के साथ मिलने वाला है, जो कि। और बात करें इसके इंजन के बारे में, जो कि आपको ग्रे कलर ग्रेइश कलर का आपको रेसिंग KTM की बैजिंग के साथ आपको इंजन मिल जाता है, जो कि 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन बाइक के अंदर मिलने वाला है। प्रोड्यूस करता है 24.67 BHP पावर 10,000 RPM पे। साथ ही आपको 19.3 Nm पावर आपको मैक्सिमम टॉर्क 88,000 RPM पे इस बाइक के अंदर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके कुछ इस तरीके का आपको इसके अंदर बॉडी फ्रेम मिल जाता है, जो कि ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का मिलने वाला है। ठीक है गाइस, चेसिस फ्रेम। और बात करें इसके अपने रियर ब्रेक लीवर के बारे में, जो कि आपको मेटल का कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का मिलने वाला है। फुटरेस्ट आपको रबड़ के मिल जाते हैं, जो कि फोल्डेबल इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, राइडर के भी और प्लेन राइडर के भी। स्विंग आर्म भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का मिल जाता है, जो कि आपको ग्रेइश कलर का कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। बात करते हैं इसकी रियर ब्रेक के बारे में, जो कि रियर की ब्रेक है ना, वो भी आपको बाइबर की ब्रेकिंग इसमें आपको मिलने वाली है, जो कि आपको 230 mm की डिस्क मिल जाती है। विद ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, और पीछे भी आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। साथ ही बात करते हैं रियर के अलॉय के बारे में, जो कि आपको ब्लैक कलर के अलॉय कुछ इस तरीके के मिलने वाले हैं। ठीक है, साथ ही बात करते हैं पीछे के टायर के बारे में, तो जो पीछे का टायर है ना, वो भी आपको इसके अंदर ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जिसका साइज आपको 150/60 R17 के आपको पीछे का टायर साइज मिल जाता है, जो कि MRF रेव्स के टायर आपको मिलने वाले हैं ट्यूबलेस के साथ। ओके गाइज, और यहाँ पर भी आपको साथ ही बात करते हैं इसके रियर के सस्पेंशन के बारे में, जो कि आपको व्हाइटिश कलर का कुछ इस तरीके का WPFX मोनोशॉक 10 स्टेप एडजस्टेबल के साथ आपको रियर का सस्पेंशन दिया गया है, जो कि आप अपनी हाइट राइड के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको मडगार्ड मिल जाता है, जो कि मैट ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको प्लास्टिक फाइबर का मिलने वाला है। साथ ही बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में, जो कि आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, जो कि स्टेनलेस स्टील के कवर के साथ आपको ब्लैक कलर के कवर के साथ आपको इस बाइक पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर एक मडगार्ड मिल जाता है काफी बड़ा, जो कि प्लास्टिक फाइबर का आपको KTM की बैजिंग के साथ आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। टायर का लुक कुछ इस तरीके का आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। साथ ही बात करते हैं इसकी रियर की फेयरिंग के बारे में, जो कि आपको ब्लैकिश कलर की कुछ इस तरीके की रियर की फेयरिंग प्लास्टिक फाइबर की कुछ इस तरीके की मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको ऑरेंज कलर की ड्यूक की बैजिंग मिलने वाली है। यहाँ पर आपको ग्रैब रिल मिल जाते हैं मेटल के, जो कि काफ़ी बढ़िया है। साथ ही बात करते हैं इसकी टेल लाइट के बारे में, जो कि जो टेल लाइट है ना इसकी, वो भी आपको LED टेल लाइट इस बाइक के अंदर मिलने वाली है, और टेल टाइड भी यहाँ पर आपको काफ़ी मजबूत मैट ब्लैक कलर की कुछ इस तरीके की मिल जाती है। इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको LED इंडिकेटर, साथ ही नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है।
साथ ही बात करते हैं इसकी लेफ्ट प्रोफाइल के रियर के बारे में, जहाँ पर आपको सैडे गार्ड मिलने वाला है मेटल का, जो कि काफ़ी बढ़िया है, सेफ्टी के पर्पज़ पे दिया गया है। चैन पॉकेट की बात करें तो यहाँ पर आपको चैन पॉकेट मिल जाता है नीचे की तरफ, और काफ़ी बड़ा है अपना, सिल्वर कलर की चैन आप मिल जाती है, और यहाँ पर आपको चैन कवर भी मिल जाता है प्लास्टिक फाइबर मैट ब्लैक कलर का, और यहाँ पर भी आप सेम अपने रियर के फुटरेस्ट फोल्डेबल रबड़ आपको मिल जाते हैं, और राइडर के भी फोल्डेबल फुटरेस्ट कुछ इस तरीके के इस बाइक के अंदर दिए गए हैं फोल्डेबल। और बात करें इसके गियर लीवर के बारे में, जो कि आपको ब्लैक कलर का गियर लीवर कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, जो कि 6 गियर के साथ बाइक आती है, ये पहला डाउन है, बाकी बाइक है। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल साइड स्टैंड ही मिलने वाला है, डबल स्टैंड इस बाइक के अंदर नहीं मिलते। लेफ्ट प्रोफाइल में भी यहाँ पर आपको लेग गार्ड मिल जाते हैं, कुछ इस तरह के इंजन की प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करते हैं इसकी सीट के बारे में, जो कि इस बाइक के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिलने वाली है, 822 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है, काफ़ी कुशनिंग सीट है राइडर की भी और प्लेन राइडर की भी, ठीक है गाइस। और जो कि आप अपना लॉन्ग राइड वगैरह 500-1000 किलोमीटर आराम से जा सकते हो, दबा के एक बार मैंने देख लिया दोनों सीटों को, तो काफ़ी कम्फर्ट है अपने राइड के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो जो फ्यूल टैंक है ना वो ब्लैकिश कलर का कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपको साइड में फेयरिंग छोटी सी मिलने वाली है, जहाँ पर आपको 200 KTM की बैजिंग आपको मिल जाती है, 200 KTM की आपको बैजिंग मिलने वाली है कुछ इस तरीके की दोनों तरफ, ठीक है। और जो फ्यूल टैंक है ना वो आपको ब्लैकिश कलर का कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ 13.4 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है, 2.7 लीटर इसमें रिजर्व रहता है पेट्रोल, और इग्निशन की का फीचर्स आपको टैंक के अपर साइड में देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में, जो कि आपको 34.5 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिल जाती है इस बाइक के अंदर। अब बात करते हैं इसकी हैंडलिंग के बारे में, तो आपको जो हैंडलिंग है ना इसमें आपको सिल्वर कलर की कुछ इस तरीके की काफ़ी वाइड हैंडल बार इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही बात करते हैं इसमें आपको KTM की बैजिंग भी हैंडलिंग के ऊपर कुछ इस तरीके की बीच में देखने को मिल जाती है। और लेफ्ट हैंडलिंग में यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक कलर के स्विचेस मिल जाते हैं, हॉर्न का स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, हेडलाइट का स्विच मिल जाता है, और आपको पास लाइट का स्विच मिल जाता है, और जो उसका क्लच लीवर है वो आपको ब्लैक कलर का मेटल का मिलने वाला है, जो कि विदाउट एडजस्टेबल है, और ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया, बैक विजन के लिए आपको मिरर काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। राइट हैंडलिंग में यहाँ पर आपको रेड स्विच मिल जाता है, किल स्विच एक तरीके का, ठीक है। एक्सीलेटर भी आपको वायर वाला मिलने वाला है, और फ्रंट ब्रेक लीवर भी आपको मेटल का ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का मिल जाता है। सेल्फ का स्विच भी आपको ब्लैक कलर का, पियानो ब्लैक कलर का मिलने वाला है। और बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, जो कि आपको फुली जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना वो आपको LED इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, जो कि आप कंट्रोल अपना इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साइड में आप देख रहे होंगे मोड और सेट है कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर सब कुछ आपको ABS वगैरह लाइट, न्यूट्रल लाइट, गियर लाइट आपको सब कुछ भाई इसके अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि छोटा सा अपना ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है एक तरीके का, जैसे अपनी पुरानी KTM आती थी, तो इसमें आपको मिल जाता है। वैसे इसका न्यू वेरिएंट आ गया है, जिसकी वीडियो मैं अगली वीडियो में जरूर डालूंगा, अगर मेरे को परमिशन मिली वीडियो बनाने की, या फिर जल्दी से वो शोरूम के अंदर वो बाइक आ गई तब, ठीक है गाइस। चेंज वगैरह कुछ नहीं है उस बाइक के अंदर, बस TFT डिस्प्ले की चेंजेस दी गई है, बाकी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। साथ ही बात करते हैं अब अपनी बैक टू द पॉइंट अपनी इसी बाइक के बारे में, तो जो उसकी टॉप स्पीड है ना वो आपको 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको मिल जाती है। ब्लूटूथ नेविगेशन का इसके अंदर आपको फीचर्स वगैरह नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको LED इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरीके का छोटा सा आपको मिलने वाला है, इसलिए 159 kg का आपको इस बाइक के अंदर कार्ब वेट मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, सबसे पहले करते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइस के बारे में, जो कि आपको एक्सशोरूम इंडिया के अंदर इसका जो प्राइस है वो आपको 1,98,950 रुपीज़ के आपको एक्सशोरूम इंडिया के अंदर मिल जाती है। साथ ही बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, जो कि ऑन रोड आपको दिल्ली के अंदर ये 2,28,799 रुपीज़ के आपको ये ऑन रोड दिल्ली के अंदर मिल जाएगी। सो गाइज ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपनी KTM ड्यूक 2024 मॉडल के ऊपर। होप सो गाइज आप सबको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पोर्ट बाइक, स्पोर्ट्स कार, स्कूटर, स्कूटी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, रब रखा।